अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी जो है हमारी नवाबी चिकन की रेसिपी। इसका टेस्ट ना जो बाकी सारी चिकन की डिशेस होती है ना उससे बहुत ही डिफरेंट होता है। नवाबी चिकन की जो ग्रेवी रहती है ना उसका टेक्सचर एकदम स्मूथ थिक और क्रीमी रहता है जो खाने में बहुत ही रिच लगता है। अगर आप कुछ आपकी डिनर या लंच के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट होगी आपके लिए। चाहें तो आप इसे लच्छा पराठा, पराठा लेयर वाला पराठा या नान किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी होता है, ये कुछ ही स्टेप में फटाफट से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए अब हम हमारा नवाबी चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नवाबी चिकन बनाने के लिए ले लिया है एक मिक्सर जार। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबलस्पून ऑफ कैशूज काजू और 3 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट जो मैंने घिसा हुआ ग्रेटेड कोकोनट लिया है। साथ में मैं 3 इलायची भी डाल रही हूँ और 1 पिंच डाल रही हूँ सैफ्रॉन का। इससे बहुत ही अच्छा नवाब वाला टेस्ट आएगा हमारे नवाबी चिकन में। 3 टेबलस्पून मिल्क भी ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसका एक बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी और आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया। अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम ऑफ चिकन जिसमें मैं 200 ग्राम कर्ड ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं 2 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, यहाँ पर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे नवाबी चिकन में। और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून सिकावा ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड करेंगे। अब जो हमने कैशूज और जो कोकोनट का पेस्ट बनाकर तैयार करके रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और जार में थोड़ा सा वाटर ऐड करके अच्छे से उसको हिलाकर वापस इसी में डाल देंगे ताकि हमारा जो भी मसाला है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर लेंगे 3-4 ग्रीन चिलीज जिसे मैंने 2-2 करके हाथों से डाल दिया है। साथ ही मैं ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी और 1/4 कप ऑफ ऑयल। अब हम हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर लेंगे जो है बरिस्ता फ्राइड अनियन। इससे हमारे नवाबी चिकन में बहुत ही अच्छा और यूनिक फ्लेवर आएगा, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसे ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैंने ये भी ऐड कर लिया और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी हमारे चिकन में। एकदम अच्छे से हमें मसाज करनी है हमारे चिकन को ताकि जो हमारे सारे मसाले हैं वो इवनली सब दूर हमारे चिकन में कोट हो जाए। तो अब मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूँगी। तो अब यहाँ पे हमारे चिकन को हो चुके हैं 2 घंटे और मैंने यहाँ पर ले लिया एक बड़ा सा पैन जिसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल और इसके हीट होने पर मैं ऐड कर दूँगी 1 तेज़पत्ता और 2 लौंग। साथ ही मैं ऐड कर दूँगी 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारा मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। आप चिकन को ऑयल में डालते वक्त थोड़ा ध्यान से आप डालिएगा बिकॉज जो ऑयल है वो बहुत उड़ता है हमारे चिकन में वाटर के प्रेजेंस की वजह से। तो हमने हमारा पूरा चिकन इसमें ऐड कर दिया है। अब जो बाउल में हमारा मसाला रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे घुमाकर वापस इसी में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें एक बॉईल आने पर इसकी लिड से कवर करके इसे रख देंगे जब तक ये चिकन हमारा टेंडर नहीं हो जाता है। 4-5 मिनट्स आफ्टर कवरिंग आप इसे एक बार चला लीजिएगा ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे नहीं लगे और वापस से कवर करके इसे कुक कर लीजिएगा टेंडर होने तक। अब यहाँ पर मैंने चिकन को 4-5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था और अब जब 4-5 मिनट्स हो चुके हैं तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी और अब मैं इसे एक बार चला लूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे नहीं लगे। आप हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये अभी भी वाटरी कंसिस्टेंसी में है जबकि हमें इसे कुक करते हुए थिक कंसिस्टेंसी में लाना है। तो बस अब हम इसे वापस कवर कर लेंगे लिड से और 5 मिनट्स के लिए और पका लेंगे जब तक हमारी ग्रेवी थिक भी हो जाएगी और हमारा चिकन टेंडर भी हो जाएगा। तो हमारे नवाबी चिकन को यहाँ पे कुक होते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा नवाबी चिकन यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमने हमारे चिकन में ऑयल डाला था मैरिनेशन के टाइम पे वो भी ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब हमारी जो नवाबी चिकन की जो ग्रेवी है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है और साथ ही में जो हमारा चिकन है वो भुन कर टेंडर होकर एकदम रेडी हो गया है। तो बस अब मैं कर लूँगी अपने गैस को बंद और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। इसे मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और फिर मैं इसे क्रश करके इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा हमारे
नवाबी चिकन के अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुरिएंडर लीव्स जिसे मैंने चॉप कर लिया था और ऐड कर लिया। इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और कर लेंगे सर्व। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। इसका जो एक एक बाइट में जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही यूनिक होता है। एक एक बाइट में आपको एक जो ग्रेनी टेक्सचर है इसका, स्मूथ टेक्सचर है उसका ना, आपकी ज़बान पे एकदम टेस्ट आता है। मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन यू दैट, इसलिए बनाएंगे तो ही वो आपको समझ में आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, पराठा ले लें या लच्छा पराठे के साथ खा लें, पाव के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, बहुत बढ़िया लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को बिस्मिल्लाह किचन फूड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में ऐसी यूनिक रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।